तो पिछले लेक्चर में हम लोग ऑर्डर डिटरमाइन किए थे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, हाफ लाइफ टाइम से, क्लासिकल मेथड, इंटीग्रेटेड रेट मेथड और इनिशियल रेट मेथड। जैसे सबसे जो था हाफ लाइफ टाइम में हम लोग क्या देखे थे, कॉमन चीज क्या आया था, टी हाफ इक्वल टू, यानी सारे का हम हाफ लाइफ लिखेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का हाफ टाइम क्या था, ए नॉट बाई टू के, राइट। फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का 169 अपॉन के, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। फिर सेकेंड ऑर्डर का हाफ टाइम जो कैलकुलेट किए थे उसका वैल्यू आया था 1/k ए नॉट, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि तीनों में कॉमन चीज क्या है, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, राइट। तो हम लोग क्या एनालाइज किए थे, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट वन माइनस एन, वन माइनस एन, ठीक है। आप जानते हो जब एन इक्वल टू जीरो रखते हैं, जीरो रखेंगे ये नॉट बाई टू के आ जाएगा, ठीक है, ए नॉट आ जाएगा। एन इक्वल टू वन रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन पे जीरो, वन माइनस वन जीरो, फर्स्ट ऑर्डर दे देगा। एन इक्वल टू टू रखेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाई ए नॉट चला जाएगा। तो ये जनरलाइज हम लोग निकाले थे कि हाफ टाइम जो है केमिकल रिएक्शन का ए नॉट का पावर वन माइनस एन, और इसी पर जो डाटा गिवन रहेगा उसके हिसाब से हम एन का निकाल कर ऑर्डर बता देते थे। ग्राफिकल बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, राइट, सारे का ग्राफिकल हम लोग देख चुके हैं, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, जो मेन इक्वेशन है, राइट। उसके बाद इंटीग्रेटेड मेथड लॉ भी हम लोग देखे हुए थे, ग्राफिकल में तो सारा ग्राफ उसको बार बार रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं, सेम चीज, राइट। नेक्स्ट उसके बाद अपना था इंटीग्रेटेड मेथड में हम लोग क्या देखे थे, टेबुल दिया रहेगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का है तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये गिवन डाटा से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, फिर जी उसी तरह से अपना इसमें हम लोग क्या देखे थे इंटीग्रेटेड मेथड में, के का वैल्यू निकाल कर देख लेंगे, दो के का वैल्यू निकालेंगे, दोनों सेम आ जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, नहीं आएगा तो जीरो ऑर्डर जाएगा, मोस्टली क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर से ही जाएंगे। और लास्ट में हम लोग इनिशियल मेथड जो कि बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़े थे वो भी टेबल फॉर्म में दिया था, वहाँ से रेट लॉ के इक्वेशन लिखकर सारा हम लोग कंप्लीट कर दिए। आज अपना अब लेक्चर क्या रहेगा, थ्योरी टाइप से है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नेट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। क्या अपना है हेडिंग आज का, फाइंड दी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे ऑर्डर अभी तक फाइंड आउट करते थे, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके, यानी रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या देखे थे, रेट लॉ यूज करते थे, चाहे आपका इनिशियल भी एवरेज रेट से भी वहाँ से भी फाइंड आउट कर लेते, सबसे बेस्ट रेट लॉ ऑर्डर को निकालने के लिए। वहाँ पर ध्यान देने की बात क्या था कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ था, जो पावर एक्स और वाई लिखते थे, एक्स और वाई क्या होता था, स्टोमेट्रिक कोफिशियंट नहीं रहता था रिएक्टेंट का क्यों कमी, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो डिफाइंड रहता है, राइट। जो टेबल दिए थे डाटा के हिसाब से हम एक्स और वाई के वैल्यू कैलकुलेट करते थे रेट लॉ। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी में क्या ध्यान देना है, पहले इसको डिफाइन कर लें, ये जो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन किसके लिए डिफाइंड होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कहने का मतलब
एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिर्फ सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो। हम लोग देखे थे ना ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन एक, यानी जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते थे तो देखते 3-4 स्टेप्स में वो रिएक्शन कंप्लीट होते थे। तो मॉलिक्युलरिटी उसी रिएक्शन का डिफाइंड होगा जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता। मल्टी स्टेज में यानी एक से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसका मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं है। उसमें फिर कैसे डिफाइंड करें, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसका डिफाइंड करें। नहीं, ऐसे आपको दे दिया गया, आपसे पूछे जो कि एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, आप मॉलिक्युलरिटी बताइए, यू कैन नॉट डिफाइन। जब तक आपको उस पूरे स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप नहीं पता होगा, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ही क्या करता है, रेट डिटरमाइन करता था, ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़े थे। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही सिर्फ मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड होगा। और एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, एक से ज्यादा यदि रहता है तो यदि ऑप्शन में आप लिखोगे जीरो मॉलिक्युलरिटी, कोई डिफाइंड ही नहीं कर सकते उसका, जीरो भी नहीं बोल सकते, नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट से जीरो, जीरो मतलब कोई मॉलिक्युल्स रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी किसके लिए होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दो रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है बेटे। तो ये तो समझ में पहला आया, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन किसके लिए डिफाइंड होगा, वैसे रिएक्शन के लिए डिफाइंड होगा जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको, उसका मॉलिक्युलरिटी हम डिफाइंड नहीं कर सकते, ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। तो अब है क्या चीज मॉलिक्युलरिटी, कैसे निकालेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, तो ये तो पहला, तो ये तो पहला देखना होगा कि भाई सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुआ तभी आगे सोचेंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोले या एटम, एटम किसको बोलेंगे, जो एलिमेंट रहेंगे जैसे सोडियम, राइट, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, किसके, रिएक्टेंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक प्लेस दैट टेक पार्ट, प्लेस हो जाएगा टेक पार्ट, दैट टेक पार्ट इन ए एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, इन ए एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। एलिमेंट्री कहने का मतलब जो सिंगल स्टेप में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट। अब एक्चुअल में आप सोचते हो कि होता क्या होगा, इसको लिख लो बेटे तब आगे फिर बता रहा हूं मैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक। अब रियल में रिएक्शन क्या हो रहा है कि ए का मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, वो भी इफेक्टिवली कोलाइड, यानी कोलिजन किए जिसका कुछ फायदा हो। तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स जब इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा,
तभी प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री, यानी सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा होगा, जो रिएक्टेंट होंगे जैसे ए एंड बी, यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों जब क्या कर रहे हैं एक दूसरे से कोलाइड करके, इफेक्टिवली कोलाइड यानी कहने में कोलिजन हुआ तो प्रोडक्ट बनना चाहिए, कोलिजन कर रहे हैं कुछ बन नहीं रहा तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोलेंगे हम लोग, तो इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्युलरिटी, राइट, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसीलिए कोलिजन कहेंगे, वर्ड्स कोलिजन भी यूज करता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट बी कोलाइड इफेक्टिवली, दैट मस्ट बी कोलाइड, इसके जगह पर मस्ट बी कोलाइड इफेक्टिवली या टेक्स पार्ट, वो भी बोल सकते हैं, मस्ट बी कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव द प्रोडक्ट, टू गिव द प्रोडक्ट, टू गिव द प्रोडक्ट इन ए एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, 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 ठीक है। अच्छा, तब इसके बाद तो हम लोग अभी तक क्या सीखे कि मॉलिक्युलरिटी किसके लिए डिफाइन करें, ओनली मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड है। बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि प्लस टू में क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। यहाँ भी हम सारे जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे ऑर्डर भी डिफाइन करेंगे और मॉलिक्युलरिटी भी निकालेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव्स द प्रोडक्ट। अब कैसे हम समझेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड, उसका क्या तरीका है भाई, वी कैन से कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या करा, ध्यान से आप सुनने का थोड़ा, यानी पिछले जब हम लोग ऑर्डर में बता रहा था उस समय थोड़ा सा मैं बताया था, जब एक्स वाई की डिफाइन कर रहा था रेट लॉ में, जब मैं लिखा था ए इक्वल टू ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, वहीं पर मैं स्लाइटली बताया था यदि आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है जो रिएक्शन सिंगल स्टेप पे डिपेंड करता है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो वहाँ एक्स और वाई के बारे में क्या हो गया, जो स्टोमेट्रिक कोफिशियंट होगा वही होगा, जैसे ए का स्टोमेट्रिक कोफिशियंट यहाँ वन है, वन मोल, बी का वन है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वन और वाई का वैल्यू वन, ओनली फॉर जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसके लिए। यहाँ उसी कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम इसका क्या लिखेंगे, रेट के अभी तक क्या जानते थे, ए का पावर एक्स लिखते थे और बी का पावर वाई लिखते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं रेट जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये जो भी है डाटा एक्स और वाई जो भी वहां भी फाइंड आउट करते थे बाई एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो देता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, लैंग्वेज के टर्म में पढ़ते रेट डबल हो जाएगा ए का कॉन्सेंट्रेशन लाइक दैट दूसरा का, चाहे इनिशियल मेथड से टेबल दिया रहता था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देके हम लोग निकालते थे। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली क्या मिल रहा है, ये चीज है दोनों का पावर वन बाई एक्सपेरिमेंट, कोई मैथमेटिक्स नहीं, रेट लॉ में कोई मैथमेटिक्स, सारी चीजें बाई मैथमेटिक एक्सपेरिमेंट मिल रहा है। बाई एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया इस रिएक्शन का, एक्सपेरिमेंटली की रेट जो है दैट विल बी इक्वल टू के एक कॉन्सेंट्रेशन ए का पावर वन है
और बी का पावर वन है। तो जब एक्सपेरिमेंट करता है ये मिला तो इसे क्या कंक्लूजन निकाले कि यदि सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, यदि सिंगल स्टेप में केमिकल रिएक्शन होगा तो जो रिएक्टेंट का जो पावर है, रिएक्टेंट का जो पावर है इसके स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वही होगा। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सिंगल स्टेप में हो रहा है कि नहीं? यहां हम क्या देख रहे हैं, एक्स का वैल्यू वन है, वाई का वैल्यू वन है। कॉन्सेंट्रेशन ए का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है यहाँ, वन। बी का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वन। यदि ये दोनों बराबर आ गए इट मीन्स ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा। ये रिएक्शन क्या होगा, सिंगल स्टेप में होगा। जैसे ये वैल्यू मैच कर जाएंगे इट मीन्स आप क्या कहोगे, ये एक्सपेरिमेंट से आया। एंड हाउ टू जस्टिफाई बाय सिंगल स्टेप, इसका जो पावर दो है ए और बी का क्या स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है, यदि है तो हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। चलो इसको लिख लो इतना बेटे, ये समझ में आया कि एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे पहचानेंगे। डेट लिखने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का होगा उसका यदि पावर स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। If the value of x and y, if the value of x and y are equal to stoichiometric coefficient of reactant, are equal to stoichiometric coefficient of reactant, then we can say that that reaction is elementary reaction. That reaction is elementary reaction. Elementary means single step में एक ही बार में वो complete हो जा रहा reaction. पहले हम लोग रेट लॉ लिखते थे ना, R इक्वल टू के ए का पावर x, b का पावर y। यदि ये x और y का वैल्यू केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उसके स्टोमेट्रिक के बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मोलिकुलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही सिर्फ डिफाइंड है। तो पहले मुझे चेक करना होगा कि जो रिएक्शन दे रहा है क्या एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव नेट में बनता है बेटे, एक ऑब्जेक्टिव आएगा थ्योरी टाइप का, थ्योरी टाइप के जो आंसर्स हैं वो उसमें तो 100% आप स्कोरिंग कीजिए, वहां तो चुकने का ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। तो यहाँ पर आपसे अब कोई पूछे मोलिकुलरिटी क्या हो गया, वन प्लस वन टू दोनों का सम। यदि आपको यहां से कोई पूछे व्हाट इज द मोलिकुलरिटी, इट्स वैल्यू इज टू, दोनों का पावर को ऐड कर देंगे, राइट। ऑर्डर आपसे कोई पूछे, ऑर्डर क्या हम जानते हैं, एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स का वैल्यू वन है वाई का वैल्यू वन है, ऑर्डर भी टू, दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए। तो इस तरह से रिएक्शन देकर आपसे पूछे मोलिकुलरिटी कितना है, ऑर्डर कितना है। ध्यान देने की बात है, सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें यही है, यदि केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा तभी मोलिकुलरिटी का वैल्यू बताइएगा, यदि नहीं होगा तो वैल्यू उसका नहीं होगा। और कैसे चेक करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली, ये दिया रहेगा दिस इज एक्सपेरिमेंटल, यदि इसका दोनों का पावर स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा तो हम बोलेंगे भाई ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देखें, जैसे ये एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ है, अमोनिया नाइट्रेट NH4 NO2 गेट्स नाइट्रोजन प्लस वाटर, वाटर एक्सपेरिमेंटली रेट क्या निकाला गया है,
एक्सपेरिमेंटली रेट जो दिया हुआ रेट दैट विल बी इक्वल टू के NH4 NO2 पावर वन ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई क्या है पावर इसके स्टोमेटिक कोफिशिएंट के बराबर है कि नहीं, तो है। इसका मतलब ये सिंगल स्टेप में जाएगा रिएक्शन, सिंगल स्टेप में जाएगा तो पहले वो चेक करना जरूरी है सिंगल स्टेप है कि नहीं, तभी मोलिकुलरिटी लिखिएगा। सिंगल स्टेप में जाएगा तो इसका मोलिकुलरिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो मोलिकुलरिटी इसका क्या हो जाएगा दैट विल बी वन। अब कौशल ये कि कैसे कोलाइड करेगा, अपने में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका वन, ऑर्डर क्या हो जाएगा वन। ठीक है जल्दी लिखते चलो, ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है बेटे जो आगे देखें सारे एग्जाम्पल जो दिए हैं सारे को कंप्लीट कर, तो सभी जगह अभी तक क्या देख रहे हैं मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम है, ये 90% केमिकल रिएक्शन होगा। लास्ट में देखेंगे कि दोनों डिफरेंट भी होगा तो क्यों होगा, वो रीजन वहाँ पूछेगा, उसको अंडरस्टैंड करना है क्यों वहाँ पर दोनों डिफरेंट आए, 10% रिएक्शन में डिफरेंट भी आते हैं। आगे नेक्स्ट 2HI gives hydrogen plus iodine by experiment rate equation दिया हुआ है KHI+1। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं HI जो reactant का power 2 है या stoichiometric coefficient के बराबर है, yes बराबर है, it means ये reaction किस तरह का हुआ, elementary reaction होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ तो इसको हम मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते। पिछले वाले को मोलिकुलरिटी वन होने का मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है यहाँ पर मोलिकुलरिटी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा टू का मतलब बाई मोलिकुलर रिएक्शन है मोलिकुलरिटी दो मोलिकुल्स कोलाइड करके बना रहे हैं इसलिए मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा टू, ऑर्डर भी टू। यहां भी सेम है दोनों, एग्जांपल देके पूछ सकता है बॉडी सब के लिए, इसलिए सारे एग्जांपल करते जा रहे हैं। रिएक्शन दे देगा आपसे पूछे है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल तो ये बाई मोलिकुलर का एग्जांपल हो गया, उसी तरह से ट्राई या टेट्रा भी बोलते हैं हम लोग, टेट्रा मोलिकुलर उसका एग्जांपल देख लें, ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड NO2। ठीक है बेटे बाय एक्सपेरिमेंट रेट दिया हुआ है के NO का पावर होल स्क्वायर O2। ठीक है यहाँ भी स्टोइकोमेट्रिक दोनों का बराबर है तो इसलिए ये रिएक्शन कैसा होगा एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है तो मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, दोनों को पावर को ऐड कर देंगे 2+1 3। सी का मतलब टेट्रा मोलिकुलर डीटी ट्राई मोलिकुलर टेट्रा मोलिकुलर ट्राई
ट्राई मॉलिक्यूलर ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर यहाँ भी थी, यहाँ भी सेम आ रहे, ठीक है ना। 2+1 3 2+1 3 तो मॉलिक्यूलर थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे यही चेक करना है, स्टोमेट्रिक दोनों का सेम है तभी आगे बढ़ेंगे, यदि नहीं, यदि सेम होगा तो मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब चले तो इस तरह से सिंगल यूनि मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर भी हम लोग डिफाइन करते हैं। ये आप पता चला कि कैसे डिफाइन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जो एलएम तो हम लोग पढ़ते थे ना, सिंगल मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, वो कहाँ से डिफाइंड होगा? इसी केमिकल काइनेटिक्स में ही रेट इक्वेशन को से हम डिफाइन करेंगे। और किसके लिए सिर्फ डिफाइंड होगा? ओनली दोज रिएक्शन विच कम्प्लीटेड इन सिंगल स्टेप या मल्टी रिएक्शन होंगे, ठीक है। अब ऐसे रिएक्शन देखते हैं जहाँ पर दोनों डिफरेंट हो, अब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ तक का बोर्ड का कहानी हो गया, बोर्ड तक यहाँ इट्स ओके। अब आपके कंपटीशन में जो पूछे हैं क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्शनल आ जाते हैं। अब जहाँ पर दोनों डिफरेंट होगा, कैसे डिफरेंट होंगे, व्हाट इज द लॉजिक, क्योंकि अभी तक सारे रिएक्शन हम दोनों सेम देखे हैं, राइट। 90% केसेज में दोनों सेम ही रहते हैं, जो 10% जो डिफरेंट है उसको आप डिस्कस करते हैं, जो एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों अब सेम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका शुगर, ये ईस्टर CH3COOC2H5, ठीक है, ईस्टर है। यहाँ पर हम वाटर लिए हैं, दैट गिव्स CH3COOH और C2H5COOH। यहाँ पर वाटर क्या दिया हुआ है? वाटर जो है एक सॉल्वेंट है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ये गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? वाटर क्या है? एक्स एज ए सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर जो है सॉल्वेंट, करने का मतलब कि वाटर एक्सेस अमाउंट में है तभी इसको सॉल्वेंट बोला जा रहा है। व्हाट इज द अदर मीनिंग? जब दिया हुआ है सॉल्वेंट, उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि वाटर क्या है? एक्सेस अमाउंट में। वाटर क्या है? एक्सेस अमाउंट में, ठीक। वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में, तो ये बेसिकली क्या है? कोई भी रिएक्शन जो वाटर से रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को और क्या बोलते थे? हाइड्रोलिसिस। उस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस। एक बार सारे ऑर्गेनिक भी धीरे धीरे टाइम अभी तो टेस्ट के हिसाब से चलो आ भी जाएगा रिवीजन मोड में, क्योंकि टेस्ट के टारगेट हिसाब से जैसे जैसे टॉपिक आएंगे ऑर्गेनिक वाला, उस सारे को अभी तो टेस्ट सीरीज में चालू नहीं हुआ है ऑर्गेनिक वाला, जब चालू तो जैसे जैसे चलेगा उसे उसे रिवीजन करके फिर ठीक टेस्ट के बाद आपका फिर कॉमन आ जाएगा, तो वो फिर जितना अभी दिए वो सारा फिर रिवीजन। इसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या है? आपका रिवीजन मोड चलते रहेगा और रिवीजन मोड हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाते चलेंगे, क्या कि ऐसे क्या है रैंडम भागेंगे तो पता नहीं चलेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे रिवीजन मोड में तो अपना सारा टाइम के हिसाब से कंप्लीट भी होते चला जाएगा, राइट बेटे। तो इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखें कि वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में, दैट इज गिवन, सॉल्वेंट दे दिया तो आप तुरंत समझ लीजिए कि एक्सेस अमाउंट में। अब इसका रेट इक्वेशन जो होगा आप कैसे लिखोगे? आर क्या लिखोगे? CH3, ये बाई एक्सपेरिमेंटल, ये भी क्या आएगा? बाई एक्सपेरिमेंट, ठीक है। CH3COOH ये बाई एक्सपेरिमेंट आएगा नहीं, पहले मैं समझाने के लिए लिखूँ। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं? CH3COOH C2H5 and H2O
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों का पावर वन है, दोनों का पावर वन, ठीक है। स्टोमेट्री सेम है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, तो मोलिकुलरिटी यहाँ पर भाई टू हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, मोलिकुलरिटी एम इक्वल टू टू, ठीक है। अब ऑर्डर जब डिफाइन करेंगे, ऑर्डर जब डिफाइन करते हैं तो आप ध्यान से इस चीज को, लॉजिक को समझो बेटे। जब आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक मोल एस्टर एक मोल वाटर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, एक मोल एस्टर एक मोल वाटर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मोलिकुलरिटी हम लोग डिफाइन कर दिए। अब ये तो एक्सेस अमाउंट में है, मान लेते 500 मोल्स है वाटर, एक मोल कम हो गया तो क्या हो जाएगा, 499 मोल्स बन जाएगा। तो वी कैन से दैट क्या हो रहा है कि एक्सेस अमाउंट में तो एक मोल कुछ है नहीं, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पर कोई असर पड़ा तो नहीं, क्या वो 0.001 जो भी आएगा। तो इसके वाटर हम क्या देख रहे हैं, जब वाटर एक्सेस अमाउंट में है यहाँ पर, तो जो रिएक्शन तो हो रहा है, एक मोल इस्टर और एक मोल वाटर ले लिया, उसमें 499 499 तो बच गया। तो वी कैन से दैट कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिकली को उसको ग्रोथ कर दिए। यानी रेत जो है, रेत किस पर सिर्फ डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पर, क्योंकि जब हम ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर क्या है, स्पीड, रिएक्शन के क्या स्पीड है वही बताता है ऑर्डर। तो भाई स्पीड किस पर, रिएक्टर के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टर के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मोलिकुलरिटी इज डिफरेंट, ऑर्डर इज डिफरेंट। मोलिकुलरिटी क्या बता रहा है कि रिएक्टर के कौन कौन सा रिएक्टेंट्स को एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, इससे हम स्पीड, यानी इससे ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, इससे ऑर्डर का कोई लेना देना है। कि देखिए ऑर्डर से ही रेट डिफाइंड हो रहा है, जीरो ऑर्डर का रेट अलग, के का वैल्यू हम लोग निकालते थे, देखे थे इक्वेशंस, ग्राफ वन का अलग, टू का अलग, राइट, क्योंकि वहां पर हम क्या देखते थे, स्पीड जो है के वैल्यू से डिफाइंड हो रहा है। तो ऑर्डर क्या बता रहा है, ऑर्डर जो है किसी भी रिएक्शन का हमें स्पीड भी बता दे रहा है, क्या व्हाट इज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इस रेट से कर रहा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मोलिकुलरिटी तो डिफाइन कर दिए, लेकिन जब ऑर्डर डिफाइन करना हुआ, तो ऑर्डर पर डिफाइन करते समय हमें रेट क्या दिखाई दे रहा है भाई, जो यहाँ सॉरी यहाँ के डाल देंगे, जो लिखते हैं एक्चुअल, जब ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मालूम चल रहा है, सिर्फ के डैश डाल देते हैं, सी सी एस टी सी डबल ओ सी टू एच फाइव पे ही डिपेंड कर रहा है, यही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड, ये तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है एक्सेस अमाउंट के कारण। तो यहां पर क्या हो गया, ऑर्डर वन। अब कहो सर मोलिकुलरिटी वन क्यों मैं, अरे भाई मोलिकुलरिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये कितना मोल कोलाइड कर रहे हैं, यदि वाटर पे नहीं रखें तो रिएक्शन होगा कहां से। मोलिकुलरिटी में हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्टेंट के रिएक्टेंट्स जो एक दूसरे से कोलाइड, जब वाटर यदि वाटर पे यहां पे कहे मोलिकुलरिटी वन, तो वाटर पे से कोलाइड करेगा नहीं, तो रिएक्शन होगा कहां से, प्रोडक्ट मिलेगा कहां से, ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो रेट यहां पर क्या हो गया, ऑर्डर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग वन, क्यों, क्योंकि वाटर एक्सेस अमाउंट में है, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यहां पर क्या है, ऑर्डर वन, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में, वन हो गया। तो इस रिएक्शन से हमें क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों डिफाइंड, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है।
ये एग्जांपल देके यही सारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछेगा। बच्चे तो जानेंगे ठीक है भाई दोनों टू टू हो गया, ऑर्डर भी मानेंगे टू, मल्टीप्लिटी भी टू मानेंगे, चाहे रीजन भी चार दे देगा कि ऑर्डर ये है, व्हाट इज द रीजन, वाटर इन एक्सेस अमाउंट, डेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज वन, दैट्स व्हाई ऑर्डर इज वन। यदि यहाँ हम लिख देते हैं यदि वाटर नहीं है तो यहाँ तो भाई जब तक वाटर इससे कोलाइड नहीं करेगा तब तक वो बनेगा ही नहीं। तो मॉलिक्यूलरिटी इसी रिएक्शन से आपको पता चल रहा है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ऑर्डर डिफाइन करते समय हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देख रहे हैं, और मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते समय हम रिएक्टेंट कौन कौन सा रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहा है, राइट कितने नंबर ऑफ मोड्स ऑफ रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ऑर्डर जो है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं हम लोग, इसको मिटाओ बेटे। दूसरा एक एग्जांपल और देखे जो दिया हुआ है, कैनन शुगर का हम लोग C12H22O11 कैनन शुगर, ठीक है इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 आपका वैसे दोनों तो सेम ही चीज है। चलो अब ध्यान दो बेटे लिख लिए, अब तो यहाँ पे कहो सर ठीक है शुगर के अंदर हाइड्रोलिसिस की दोनों सेम चीज है तो एक साथ क्यों नहीं लिख दिए, ट्वाइस लिख देते। लेकिन आपको याद है कि इस रिएक्शन को हम लोग इन्वर्सन रिएक्शन बोलते हैं, जो हम लोग जब आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे वहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेबो रोटेटरी की बातें किए थे, जो लेबो मीन्स जो लेफ्ट रोटेट करता था पोलराइजेशन लाइट में और डेक्स्ट्रो जो राइट रोटेट करता था, राइट। तो वहाँ पर ये दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्सन रिएक्शन। यहाँ पर ये क्या होता है कि एक जो होगा आपका लेबो रोटेटरी रहेगा और दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा, इसीलिए दोनों अलग अलग, एक रहेगा एल रोटेटरी और दूसरा डेक्स्ट्रो बी रोटेटरी, इसीलिए इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्सन रिएक्शन, दोनों का रोटेशन अलग अलग है इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है इन्वर्सन रिएक्शन। पिछले वाला में एक चीज और पॉइंट जो छूट गया था लिख लेना बेटा, इसको लिख लो तो बता रहा हूं थोड़ा सा छूट गया एक लाइन, इन्वर्शन ऑफ कैनन शुगर, ठीक है राइट। अच्छा पिछला वाला में जहां हम ऑर्डर वन लिखे हैं, जहां ऑर्डर वन लिखे हैं उसके नीचे एक लाइन जोड़ दो, such type of reaction is called ऊपर लिख दो नेक्स्ट पेज पे करके चाहे वहां स्टार मार्क करके, हाँ यहाँ लिख दो, such type of reaction is called pseudo first order, pseudo जैसे pseudo कोर्स पढ़े थे होना चाहिए था टू लेकिन मिल क्या रहा वन, तो दैट्स वे such type of reaction is called pseudo first order reaction, pseudo
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था टू लेकिन है वन। रिजल्ट वाटर एक्सेस अमाउंट में, वाटर एक्सेस अमाउंट में यहाँ भी क्या दिया हुआ, वाटर जो है एक्स एज ए वाटर जो एज ए सॉल्वेंट लिया गया, सेम कॉन्सेप्ट। सिर्फ रिएक्शन समझा रहा हूँ, किस तरह के रिएक्शन एग्जाम में देंगे तो आपको पहले से पता रहेगा, तो आप सेम, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है जितने ही एक्सेस आपके नोट्स तगड़े रहेंगे और उस नोट्स में जितने इंफॉर्मेशन रहेगा उतना ही आपको रिजल्ट आउटपुट सही देगा। केमिस्ट्री का यही खासियत क्या है, जितने बेटर नोट्स उस नोट्स में इंफॉर्मेशन जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते जा रहे हैं, कलेक्शन आपका जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फायदा करेगा। तो यहाँ पर क्या है, दिया हुआ वाटर जो है सॉल्वेंट जैसा है, सॉल्वेंट देते ही हम समझ गए क्या भाई एक्सेस अमाउंट में है, ठीक। मॉलिक्युलरिटी जब लिखेंगे, रेट जब लिखेंगे C2H22, ये बाई एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि बाई एक्सपेरिमेंट तो देगा, फिर एक इसी तरह का K डैश C2H2OLF, वो तो समझाने के लिए एक स्टेप पहले मैंने लिख दिया ना, एक्सपेरिमेंटली तो मिलेगा यही। अब यहाँ पर बच्चा तो एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, ठीक है, तो इससे क्या हमें नॉलेज मिल रहा है कि रेट जो है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H12O11 पर डिपेंड है, यानी वाटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऑर्डर यहां से क्या हो गया भाई मेरा, तो वन तो हो गया, ऑर्डर वन हो गया, ठीक है। यहाँ स्टोकियोमेट्रिक देखे दोनों का मैच कर गया तो सिंगल स्टेप में है वाटर गैप, लेकिन मॉलिक्युलरिटी जब डिफाइन करेंगे तो बिना वाटर के एक रिएक्ट करके वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी में हम क्या देखते हैं, हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और उसी को सम करके बता दे रहे हैं मॉलिक्युलरिटी। जैसे एक मोल यहां एक मोल वाटर रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा टू, मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा टू। इसी रिएक्शन में एम इक्वल टू टू, ये भी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रीजन समझ में आना चाहिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर एक्सेस अमाउंट में है, वाटर एक्सेस अमाउंट में है, वाटर एक्सेस अमाउंट में है। और समटाइम्स यदि दे भी दिया इस तरह से तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, यदि मान लो एक्सपेरिमेंटली दे भी दिया H2O लिखा हुआ है तो ऑलरेडी दिया हुआ है वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इस तरह और कुछ हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं बेटे, ठीक है, ये दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन कम्पिटिटिव में इसी पे आएंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2A+B प्रोडक्ट और आपको दिया हुआ बी एक्सेस में है, बी एक्सेस में है, रेट इक्वेशन दिया हुआ है रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट इक्वेशन आर इस तरह से ये गिवन इंफॉर्मेशन है। आपसे पूछता है भाई इसका मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कीजिए, ऑर्डर डिफाइन कीजिए, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बेटे पहले तो मॉलिक्युलरिटी के लिए देखेंगे क्या इसका पावर स्टोमेट्रिक के बराबर है तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, मॉलिक्युलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो मॉलिक्युलरिटी हो गया m=3। अब वाटर क्या दे, वी क्या दे हुआ एक्सेस अमाउंट में है, ये दिया हुआ एक्सेस में है, एक्सेस में होने का मतलब वी पे डिपेंड कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेगा तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा टू, ऑर्डर हो जाएगा टू, ऑर्डर टू। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया, इस तरह के क्वेश्चन जब पूछेंगे
तो अभी तक हमने क्या देखे, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की बातें की है जिसका कि मॉर्फोलॉजी डिफाइंड होता है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में देखें, इसको मिटा दूं ना, हो गया। नेक्स्ट, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब मल्टी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, मल्टी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, मल्टी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल NO2 प्लस CO गेट्स NO प्लस CO2, और बाई एक्सपेरिमेंट इसका रेट दिया हुआ है, मिला है ये, बाई एक्सपेरिमेंट रेट क्या मिला, के एनओ टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो देखें भाई, मॉर्फोलॉजी डिफाइन करने पहले क्या इसका स्टोमेट्री उससे सेम है, यहाँ टू है यहाँ वन है, यहाँ टू है यहाँ वन है, सेम नहीं है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन। जब एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा तो इसका ऑर्डर हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, दिस रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। देन वी कैन से दैट वी कैनॉट डिफाइन डी मॉर्फोलॉजी, एम का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, एम क्या होगा, नॉट डिफाइंड, एम इसका डिफाइंड नहीं होगा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है ही नहीं। ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसको लिख देंगे टू, ऑर्डर को हम लोग लिख देंगे टू, ठीक है बेटे। आगे बढ़े, आगे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है CH3CHO दैट गिव्स CH4 प्लस CO, ठीक है। रेट दिया हुआ है बाय एक्सपेरिमेंट, रेट दिया हुआ है दैट विल बी इक्वल टू के CH3CHO होल का पावर 3/2, ठीक है। अब आपसे कहता है भाई इसका मॉर्फोलॉजी डिफाइन कीजिए और ऑर्डर डिफाइन कीजिए, ठीक है। पहले तो मॉर्फोलॉजी के लिए चलेंगे, देखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं, क्या CH3CHO का पावर इसके एलिमेंट स्टोइकोमेट्रिक के बराबर है, यहाँ वन है ये 3/2 है, दोनों बराबर नहीं है। ये रिएक्शन किस तरह का हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉर्फोलॉजी डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2, ऑर्डर इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है,
ऑर्डर का वैल्यू जो होगा हमें क्या होता है इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव निगेटिव सारे आ गए। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मोनोकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हुआ, ये भी ध्यान देने की बात है। कभी भी ये नहीं हुआ कि आधा मॉलिक्यूल जाके कोलाइड करेगा, जब भी होगा तो पूरा ही कोलाइड करेगा, इसीलिए मोनोकुलरिटी को फ्रैक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली। अब मान लीजिए मोनोकुलरिटी आपका आ गया 4, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ एक्सपेरिमेंटली, जैसे यही रिएक्शन है, मान लो यहाँ पर दे दिया गया 4 और सिंगल स्टेप में ही हो रहा है, यहाँ भी ये 4 दे दिया गया, ठीक है। तो चेक करेंगे तो कहेंगे 4-4 दोनों बराबर है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मोनोकुलरिटी आप क्या बोलिएगा, सर 4 हो गया। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई 4 पॉसिबल है कि नहीं है। मोनोकुलरिटी में केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या देखें, मोनोकुलरिटी डिफाइन करने में कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं इफेक्टिवली। इफेक्टिव वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इफेक्टिव करने का मतलब मान लो 2 मॉलिक्यूल्स है तो ये डिपेंड करता है इसका ओरिएंटेशन दोनों का सेम होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक इधर जाए और एक थोड़ा सा टकरा के बाहर निकले, सेम एंगल पे दोनों कोलाइड होना चाहिए। तो 2 मॉलिक्यूल तो आराम से कोलाइड कर लेते हैं, तीसरा मान लो मॉलिक्यूल है जब मॉलिक्यूलिटी यानी 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, तीनों का ओरिएंटेशन सेम करना, इफेक्टिव कोलिजन करना, वो भी इतना आसान काम नहीं है कि तीनों भाई जाए ठीक से, तीनों का इंक्लाइनेशन सारा चीज सेम रहे। तो ठीक मॉलिक्यूलिटी तो जैसे तैसे हम हो भी जाएगा, 4 मॉलिक्यूल का इफेक्टिव कोलिजन वेरी टफ और इट इज नॉट पॉसिबल, वेरी टफ। आप जो 3 मॉलिक्यूल तीनों का ओरिएंटेशन एक साथ एक टाइम पे तीनों कोलाइड करे वही बहुत है, जब 4 मॉलिक्यूल होगा चारों का ओरिएंटेशन सेम करके सेम टाइम पे कोलाइड करना वेरी टफ। इसीलिए नोट्स में दिया रहता है मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज लेस देन, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज लेस देन 3, यानी एम लेस देन इक्वल टू 3, इनसे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी डिपेंडिंग नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 से ज्यादा होगा नॉट डिफाइंड। जैसे इसे एग्जाम्पल मैंने दिया 4-4 करके दे दिया, नॉट डिफाइंड लिखेंगे, समझ में आ गया बेटे। 3 से ज्यादा आता है तो हम मॉलिक्यूलरिटी लिखेंगे, उसका डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लाइन लिख लो, उसको नोट में डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू सिर्फ या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस ऊपर पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल N2+3H2 दैट गिव्स 2NH3। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या मान लो रेट इक्वेशन दे दिया गया है, रेट इक्वल टू के N2H2 का होल क्यूब, H2 का होल क्यूब, ठीक है। आप पहले देखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं, देखने से लग रहा है एलिमेंट्री है, यहाँ 1 है पावर, ये 1-3 है, 3 एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी आप बोलोगे 4, लेकिन हम क्या जानते हैं मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि यदि 3 दिया हो तो 3 पे टिक मारेंगे, 4 पे नहीं मारेंगे, 3 पे टिक इज पॉसिबल, रिएक्शन तो हो रहा है, तो वहाँ पर यदि 4 से ज्यादा आएगा जब भी ऑब्जेक्टिव में 3 देता है तो 3 पे टिक मारेगा, यदि नॉट डिफाइन देता जैसा ऑब्जेक्टिव भी दिया रहे उस हिसाब से अपना दिमाग लगाएंगे, 3 देगा 3 दे दे 3-4 सब दिया हुआ मान लीजिए, तो आप 4 को कभी भी नहीं मारिएगा, 3 पे टिक कर लीजिएगा बस,
ऑप्शन वही रहेगा और उससे भी बेस्ट ऑप्शन नॉर्थ पेपर, राइट। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट अपना है, थ्योरी टाइप से जो क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉर्फोलॉजी। दो कॉलम बीच में पार्टीशन कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन, ये बोर्ड के लिए है। बोर्ड में थ्योरी टाइप से क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉर्फोलॉजी। ऑर्डर एंड मॉर्फोलॉजी, फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर इज डिफाइंड बाई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है बेटे, मॉलिकुलरिटी जो है थ्योरेटिकली एक एक कंबाइन करेगा, एक्सपेरिमेंट से उसको ज्यादा लेना देना नहीं है। तो मॉलिकुलरिटी डिफाइन थ्योरेटिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है। उसी तरह से ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों के लिए डिफाइंड है ऑर्डर दोनों के लिए डिफाइंड है। एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, दोनों के लिए डिफाइंड है। मॉलिक्युलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए अभी वैल्यू लेस देन 3, 1, 2, 3, राइट, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। यहां पर फोर्थ पॉइंट, ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3, ऑर्डर 3 से ज्यादा हो सकता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगा, कैनॉट बी ग्रेटर देन 3। आज यहीं पर हमने देते हैं, पूरी तरह से थ्योरी लेक्चर है, दम इंटरेस्टिंग है,
ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा डिफरेंस, बोर्ड एग्जाम में पर टिक मार्क कर देगा।